स्टार प्लस के यूट्यूब पेज पर आने के लिए आप सभी का धन्यवाद। अपने फेवरेट शोज देखने के लिए सब्सक्राइब टू स्टार प्लस यूट्यूब पेज एंड हिट द बेल आइकन। बस बहुत तड़प लिया मैंने आपके प्यार के लिए पीछे, बहुत खेलने दिया आपको अपनी भावनाओं के साथ, लेकिन अब और नहीं। बीजी, आज तक आप यही समझती आई है ना कि आपकी कोई बेटी नहीं है, लेकिन आज के बाद मैं ऐसा समझूंगी कि मेरी कोई मां नहीं है पीजी। हमारा सरपंच कैसा हो? बलदेव सिंह जैसा हो। बहुत बुरा लगा मैंने सुनकर कि तेरे वीर का नाम उम्मीदवारों के लिस्ट से हटा दिया गया, लेकिन देखा जाए तो एक तरफ से अच्छा ही हुआ है। मतलब अच्छा हुआ कि ना वो धक्का उसे आज ही लग गया, वरना कल मेरे हाथों चुनाव में हार कर जो धक्का लगने वाला था वो तो तेरा वीर बर्दाश्त नहीं कर पाता। बलदेव, अगर तुझे अपने जीतने पर इतना ही भरोसा होता ना तो एक कायर की तरह धोखे से मेरे वीर जी का नाम नहीं हटवाता। तू तो हमेशा यही कहता आया ना कि तू कभी पीठ पीछे वार नहीं करता, शेर कहता है ना तू खुद को। दिख गया कि शेर की खाल में गीदड़ सामने खड़ा, जिसमें मेरे वीर जी का सामना करने की ताकत ही नहीं है, इसलिए दगा कर गया उनसे। अगर तुझमें इतनी हिम्मत होती ना बलदेव, तो मेरे वीर जी के चुनाव में रहते उनको हरा कर दिखाता। संभल कर समझी तू, मत भूल तेरा वो जो वीर है ना अब इस दौड़ के बाहर हो गया है, अब तेनू अकड़ दिखाने का कोई हक नहीं है। इस पिंड के होने वाले सरपंच दे नाल तू अपना बर्ताव ना सुधार ले, वरना आगे चल के बहुत तकलीफ होने वाली है तेन। बलदेव सिंह की दुश्मनी तूने अभी वेखी कहाँ है? अपने इस ख्याली पहाड़ से ना नीचे उतर जा तू बलदेव, क्योंकि जिस पद पर बैठने वास्ते तू ये बेमानी के पैरों की कुर्सी बना रहा है ना, ज्यादा दिन तक नहीं टिकने वाली। और वैसे भी बलदेव, वक्त किसी का होकर भी नहीं होता, 24 घंटे बाकी हैं अभी। तेरा गुरूर, ये तेरी अकड़ अपने पैरों तले मसल कर दिखाऊंगी मैं तन्नू, समझा? धोखे का इल्जाम लगाने वाली तू, तू क्या है? तेनू सिर्फ लोगों के दिलों दे नाल खेलना आता है, उन्हें झूठ बोल के उनका फायदा उठाना आता है, और मैं जो हूं वो दिखता हूं। तेरी तरह नहीं तो जुबान पे और कुछ और दिल में कुछ और। अरे लोगों को अगर धोखा देकर उनके नाल हेरा फेरी करनी हो ना तो वो कोई तुझसे सीखे। इस मामले में ना तू मास्टर नहीं है, मास्टर नहीं है।
लेकिन तेरा इन मामलों में मास्टर नहीं होने का भी क्या फायदा हुआ? आखिर में तेरे वीर को हार माननी ही पड़ी। किसी ने बहुत सही गल कही है, जैसी करनी तैसी भरनी। तेरे वीर को तेरे किए की सजा मिली। अब ना वो चुनाव में लड़ पाएगा और ना अब कोई तेरे परिवार से कभी सरपंच बन पाएगा। हाँ तो अब बता, कितने घंटे दिए थे तूने मैंने? 24 घंटे हैं? ठीक है, मैं भी देखता हूं तो 24 घंटों में क्या पाड़ लेती है। तेरे वीर को तेरे किए की सजा मिली। अब ना वो चुनाव में लड़ पाएगा और ना अब कोई तेरे परिवार से कभी सरपंच बन पाएगा। ओए आज तो आपने सारी हदें पार कर दी बंसरी जी। ओए कैसी माँ हो आप हैं? आपको ऐसी गंदी हरकत करते वक्त एक बारी भी ख्याल नहीं आया कि आपकी बेटी की और आपके दामाद की जिंदगी का क्या होगा? उस सुबह से पागलों की तरह मैं इधर उधर घूम रहा था ये पता करते हुए कि रणवीर का नाम अचानक से रद्द क्यों कर दिया, और बाद में पता चलता है कि ये सब आपका और आपके उस निकम्मे कपूत का किया धरा है। अरे जानवर भी अपने बच्चों पे खरोच नहीं आने देते, तो आप तो इंसान हो। इतना वड्डा फरेब किया आपने, ऐसी गंदी हरकत करते वक्त आपके जमीर ने आपको एक तुम्हारी भी कोसा नहीं। ऐसे चुपचाप क्यों खड़ी हो? मैं कहता हूं जवाब दो। सरपंच जी, एक मां ने वही किया जो एक माँ को अपने बेटे के अच्छे भविष्य के लिए करना चाहिए। परदेव की जिंदगी संवारने वास्ते और उसके सपने पूरे करने वास्ते मैंने ये सब किया है। कैसी जिंदगी है? कैसे सपने? बेईमानी से पाई हुई चीज कभी किसी को मिली है? मैंने एक गल दसो, जिंदगी क्या सिर्फ आपके बेटे की है? आपकी बेटी की नहीं है, आपके दामाद की नहीं है। शायद आप ये भूल गई हो कि आपके बेटे के साथ साथ आपकी एक और औलाद भी। मैं आपको याद दिलाता हूं कि गुंजन भी आपके बेटे की तरह आप ही की औलाद है। पीजी एगल बहुत पहले भूल चुकी है पापा जी। बीजी, आपने कभी मैंनु अपनी बेटी नहीं समझा, हमेशा मैंनु पराया महसूस कराया। बचपन से आपने वीर जी नु गले लगाया और मैंनु हमेशा अपने आप से दूर किया। बीजी, लेकिन आपको क्या लगता है बीच कि बचपन से लेकर अब तक जो आपने मेरे साथ किया वो मैनू याद नहीं है? मैनू सब याद है बीजी, मैनू सब याद है, लेकिन फिर भी मैं हमेशा आपके प्यार के लिए तरसी। आपने अपने स्वार्थ के लिए मुझसे प्यार का नाटक किया और मैं पागल समझ बैठी। आपके प्यार ने हमेशा मैंने धोखा ही दिया है बीजी। कल जब आपने कहा कि आप मैनू और रणवीर को तोहफा देना चाह रही थी तो मैं खुशी से पागल हो गई, ऐ सोचकर कि आपका मन मेरे लिए बदला। बीजी, मैंने लगा कि आपने मेरे सच में अपना लिया। बीजी, आप मुझसे प्यार करने लगी, लेकिन वो सिर्फ मेरी झूठी उम्मीद थी। आपके प्यार ने फिर से धोखा दिया मैनू, और एक बार फिर एक बेटे की मां जीती और एक बेटी की मां हार गई।
बीजी, आप सिर्फ वीर जी से प्यार करती हैं, आपको सिर्फ उनकी परवाह है, मेरे नाल सिर्फ धोखा करना आता है आपने, अपनी इन झूठी चाल चल के मेरा इस्तेमाल करना आता है आपने। आज मैं इस दुनिया की सबसे बदनसीब बेटी हूं, जिसकी सगी माँ होकर भी उसे उसका प्यार नहीं मिला। बस बहुत तड़प लिया मैंने आपके प्यार के लिए पीछे, बहुत खेलने दिया आपको अपनी भावनाओं के साथ, लेकिन अब और नहीं। बीजी, आज तक आप यही समझती आई है ना कि आपकी कोई बेटी नहीं है, लेकिन आज के बाद मैं ऐसा समझूंगी कि मेरी कोई मां नहीं है पीजी। प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।